चंद जी तो यहाँ के प्यारी जी है, समुद्री है, और समुद्री को फेंटा बोला तो जोर से समुद्री अंगना आयो है, सब लोग बजाओ ताली, समुद्री अंगना आयो है, सब लोग बजाओ ताली, करो समुद्री अंगना आयो है, सब लोग बजाओ ताली, अरे लोग बजाओ ताली, समुद्री अंगना आयो है, अरे झोला पूरो है रहो भैया आयो देश हो गायो है, और सभी श्रद्धालु से एल्टीवेटर में है, एक मिनट के लिए रुके, और हम हमारे बड़े भैया पूजनीय आदरणीय श्री अमर सिंह जी से निवेदन करके अपने मुखारविंद से अपने समाज को दो शब्द कह करके संबोधित करें। भाई अमर सिंह जी केवल ताली बजा कर, दो मिनट और बैठ जाइए प्लीज। बहुत प्रिय महाराज की जय, फुलबस्ती माता की जय। आदरणीय बुजुर्ग साहिबानों, और बाकी मैं क्या बोलूं, मेरे प्यार भी घनी है, और दोस्तों क्या बोलूं, ब्याई भी गणाई है, और प्यारे साथियों, ये प्रयागराज महाराज को दूसरी बार बुलाया है, पहले बुलाया जब तो आपने मेरी घर में न सुन लिया, मेरी बेटी लिया है आपको, और अब दूसरी बार बुलाया तो बदले प्रयागराज महाराज क्या करेंगे। जब मेरी बेटी का रिश्ता किया था उससे दो महीने पहले मैं महाराज के आया था मंदिर में, जब मैं पता काय काय बोल गयो वो खुद को पसंद आए है ना, और मुझे काय ठीक है महाराज, इसीलिए मुझे बुला रहे बार बार, और आपके फिर बुलाया है तो पत्नी अब की बार आप मुझसे क्या लोगे मुझे भी नहीं पता, तो सौभाग्य की बात है कि आप लोगों ने इतना मान सम्मान इतना प्यार दिया, इसको मैं 7 जन्म तक भी नहीं भूल पाऊंगा। इस जन्म में तो क्या कि मैं इतना प्यार इतना मान सम्मान कभी सपने नहीं सोचा था, मैंने इतना प्यार मुझे मिलेगा, मुझे तो ये प्रश्न है वो उनके एक और बैठे भाई, इन्होंने याद दिया, इन्होंने की फौज साहब लगा देख वो बोली वाली तुम उसको आवेदन लगा वो, मैं तो मेरी बेटी दे दी सब कुछ दे दिया, और मुझसे जो आदेश करोगे मैं आपके लिए हाजिर हूं, लेकिन बोल लगा हुआ ना जाऊं, क्योंकि मैंने ये फौज सीखी नहीं, मैं सेना से टायर्ड हूं, मैंने 21 साल सेना की नौकरी करी है, और आज 24 साल 4 दिन हो गए टायर हुई। जन्म मेरा कांदोली का है, लोग कांदोली हम जानते हैं हमको, और अभी हम रूपास जाके बस गए, हमारे पिताजी रेलवे थे तो वहीं जाकर हम सेट हो गए, और अब रिटायर होने के बाद मैं आप सबकी सेवा में जैसा मौका मिलता है मैं घूमते रहता हूँ, और जो मिलता है कोई सेवा होती है वो रात को 12 बजे भी याद करोगे तो मैं हाजिर होऊंगा, मैंने शुरू से सेवा रखी है, सेवा की है, और आज भी सेवा करूंगा, सेवा करता रहूंगा, क्योंकि सेना में रहकर हमारे पास कोई ऊपर का कोई धंधा नहीं होता है, वहां सिर्फ नौकरी ड्यूटी होती है देश की रक्षा करने के लिए, तो 21 साल में ममता दिए, और अभी मेरी जन्मभूमि रक्षा करने के लिए मैं इस क्षेत्र में घूम रहा हूँ, मेरे पास कोई राजनीति कोई संबंध नहीं है, राजनीति चलाएंगे नहीं, ये परमात्मा का मंदिर है, ये भगवान की पूजा करें, ऐसे ऐसे महापुरुष जो आपको ऐसे ऐसे भजनों के थ्रू आपको ज्ञान पा के जा रहे हैं, उन ज्ञान को लेके जाए आप लोग, ये नहीं घर जाकर उसको आपको भूल जाए, कहते हैं जहां हो सत्संग वहां चले जाइए, भाव गुरु ज्ञान वहां से लाइए, तो ज्ञान का सागर है, यहां से गुरु आप लेके जाइए, और इसलिए मेरे से हमको ये प्रतीत होता है कि आज भी हमने इतना प्यार 3600 कौम की यह एकता होती है, एक दूसरे प्रेम भाव होता है, एक दूसरे मिलते हैं, ये बड़ी हमारी सौभाग्य की बात है।
और आप लोगों ने जो भी प्यार दिया इसको जन्म जन्म तक मैं नहीं भूल पाऊंगा। राम राम साहब। कमेटी के सदस्य कृपया हनुमान जी मंदिर तक। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने लेकर जाए बड़ा प्यार दिया, जैसा बना वैसे आप लोगों को सुनाया, अपनी बात पूरी की। शाम का वक्त हो गया, प्रोग्राम का वक्त तो पहले ही हो गया, पर आपसे वादा किया था पूरा किया। पिछले बार ने थोड़ा 10-20 मिनट की जल्दी कर गए, क्योंकि सम्मान ऐसा ही हो गया था। तो सबके लिए हरि राम गुजर का सबको नमस्कार, सबको राम राम, सबसे आशीर्वाद चाहते अभिनंदन करो का। हम प्रेम से बोलिए जानते समय प्रयागराज महाराज की जय। आप सभी जो है ना शिक्षा को काम आइए, आप उसी है काम आइए, माँ बाप के चाहिए।